रविंद्र की कलम से। हमारा घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थीं। मोहल्ले के लड़के वहां पतंग उड़ाते। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ मुकाबला कर रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़ियां बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाजों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे खुले नीले आकाश में उड़ते पक्षी अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी को भी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मैंने जब सुना तो भाभी से विनती की, वे पक्षियों को न लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी चार रंग बिरंगी चिड़ियां और नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बंद पक्षी चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियां दिखा रही थीं। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियां हैं। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, यह ठीक नहीं है। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रोने लगा, सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गई। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाजा खोला, पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख मुझ पर बहुत क्रोध किया। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आजाद कर बहुत खुशी मिली थी। काश मैं उन पक्षियों को भी स्वतंत्र कर पाता जो पड़ोस के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद थे।